है यूट्यूब चैनल प्रीति यूके 777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड कैसे हैं आप सब, क्या कर रहे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स बाकी आजकल क्या चल रहा है? आजकल तो कल है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, मेरी यूट्यूब फैमिली को। बाकी फ्रेंड्स और क्या चल रहा है आपके यहाँ? फ्रेंड्स कल है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की तैयारियां शुरू हो रही हैं। जोरों शोरों से सब लोग शॉपिंग पे लगे हुए हैं। मैं भी शॉपिंग करने जाऊंगी, आप लोग भी शॉपिंग करने जा रहे होंगे। कितने लोगों ने तो कर ली होगी फ्रेंड्स। कई लोग, कई बहनें अपने भाई के पास जा रही होंगी, कई भाई अपनी बहनों के पास जा रहे होंगे। बाकी फ्रेंड्स आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ अपने घर से ही, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा जाती नहीं हूँ। जब मैं जाऊँगी तो आपको बाहर का ब्लॉग भी जरूर मिलेगा देखने को। और फ्रेंड्स बाकी हमने चाय वगैरह पी ली है, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, अभी धुलने जा रहे हैं मेरे कपड़े। देखिए फ्रेंड्स हम मैं कपड़े धुलने जा रही हूँ। मैंने कपड़े दिखा दिए थे इससे पहले जो मैं ब्लॉग करी थी, इसके बाद तो मुझे लेके जाने वाली। और आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत हेलो फ्रेंड्स, अब मैं छत में आ चुकी हूँ कपड़े टांगने के लिए। मैं छत में बोली थी लेकिन मोबाइल में आवाज़ कैप्चर नहीं हुई, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे घर की छत और यहाँ है बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ही ज़्यादा धूप। यहाँ तो आँखें ही नहीं खुल रही हैं धूप में। मैं आपसे बात कर रही थी लेकिन मेरे मोबाइल ने मेरी वॉइस को कैप्चर नहीं करा। और मौसम आप देख सकते हैं कैसा मौसम हो रहा है। ये मेरी लड़की इधर खेल रही थी। बच्चों का क्या है, धूप हो बारिश हो उन्हें कोई चिंता नहीं है, उन्हें खेलने की परवाह रहती है। फाइनली मैं कपड़े टांग के आ गई हूँ छत से। छत में है बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा धूप, जो कि इंसान को कर देगी मजबूर वहाँ नहीं ठहरने के लिए। बहुत ज़्यादा धूप है छत में दोस्तों। मैं कपड़े टांग के आ चुकी हूँ। बाकी आप आगे का वीडियो आप देखते रहिए, बने रहिए के 777 के साथ। कभी कभी मुंह फिसल जाता है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है फ्रेंड्स। आपके इधर क्या बारिश हो रही है? यहाँ तो कोई बारिश नहीं हो रही है। बाकी मेरे यूट्यूब फैमिली को रक्षाबंधन की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन कल है दोस्तों और कई लोग मुहूर्त में विश्वास करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए रक्षाबंधन में तो बहुत ही लोग ज़्यादा मजे करते हैं। बहुत सारे लोग वो करते हैं कि अपनी बहनों को हमने क्या गिफ्ट देना है। बहनें भी काफ़ी एक्साइटेड होती है कि मेरा भाई मुझे क्या गिफ्ट देने जा रहा है। जैसे कि मेरी लड़की भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मेरा भाई मुझे क्या गिफ्ट देगा। हेलो भाई, हेलो नमस्ते, कैसे हो? आज कल रक्षाबंधन है, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कैसे हो? बताइए। फ्रेंड्स रक्षाबंधन ऐसा नहीं है कि हम बहन को ही राखी बांध सकते हैं या भाई को ही राखी बांध सकते हैं। हम अपना जिसे समझते हैं कि जो हमसे मतलब ज़्यादा लगाव रखते हैं या जिसे हम समझते हैं कि ये हमारे मतलब दिल से जिसे हम चाहते हैं, प्यार करते हैं। जैसे वैलेंटाइंस खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के लिए नहीं होता, ऐसी रक्षाबंधन भी सब खाली भाई बहनों के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। हम अपनी भाभी को भी राखी बांध सकते हैं, भाभी के बच्चों को, भतीजों को राखी बांधते हैं आप लोग। कई चीज़ें होती हैं, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग ना मुहूर्त पे बिलीव रखते हैं कि इस मुहूर्त पे है तो हम इस मुहूर्त पे राखी बांधेंगे, इस मुहूर्त पे है तो इस मुहूर्त पे राखी बांधेंगे। 30 से 31 अगस्त तक का रक्षाबंधन बताया जा रहा है, मतलब 2 दिन रक्षाबंधन पड़ रहा है इस बार में से। और देखिए फिर कैसा होता है, क्या होता है। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भाई तो मेरे यहाँ पास में है नहीं, वो बहुत ज़्यादा दूर मुझसे रहता है। यही बात मेरी तो फ्रेंड्स, मैंने तो अपने भाई को काफ़ी सालों से राखी नहीं बांधी है, क्योंकि मेरा भाई हमसे बहुत ज़्यादा दूर रहता है। वो वहीं सेटल हो चुका है, ठीक है ना। तो जब आएगा तब राखी जरूर बांधेगी, लेकिन अभी काफ़ी 4-5 सालों से मैंने अपने भाई को राखी नहीं बांधी है। और हम बहने हैं तो बहने भी अभी दूर हैं। एक ही बहन है जो मेरे पास में रहती है, तो हम दोनों ही अपने आपस में राखी बांध लेंगे। बाकी जरूरी नहीं है कि हम भाई को ही राखी बांधे, ठीक है ना। हाँ, अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये इसलिए कह रही है क्योंकि इसका भाई यहाँ पे नहीं है, तो ये इसलिए इतना बड़ा लेक्चर दे रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके भाई है वो भी अच्छी बात है, राखी बांधिए। पर लेकिन ये राखी खाली मैं ये कहना चाहती हूँ,
खाली ये राखी रक्षाबंधन जो है भाई बहनों के लिए नहीं है, हम उसे भी राखी बांध सकते हैं जिसे हम दिल से प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं, चाहे वो हमारी गुरु माँ है, चाहे वो हमारे मम्मी पापा हैं, चाहे वो हमारे। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, आप लोग भी खुल के दिल से इंजॉय कीजिएगा रक्षाबंधन को, क्योंकि ये त्यौहार ये समय बार बार नहीं आता है। जो भी भाई बहन अगर पास में है तो वो लोग भी दिल से अपना रक्षाबंधन मनाइए, क्योंकि बार बार ये समय नहीं आता है कि आपकी बहन हमेशा आपके पास हो या आप अपनी बहन के पास हो, है ना। ऐसा भी टाइम आता है कि जब भाई को बहन से दूर होना पड़ता है या बहन को भाई से तो हमेशा वैसे दूर ही होना पड़ता है, क्योंकि उसे ससुराल जो जाना पड़ता है। इसके लिए अपना दिल से मन से खुशी से खूब मस्ती से इंजॉय कीजिएगा रक्षाबंधन। बाकी दोस्तों इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल TTUK777 को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।